हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सिंह, राहुल वाईफाई स्ट्रीम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, एक बड़ी खबर लेकर के मैं आपके समक्ष आ चुका हूँ, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, बम्पर भर्ती ब्रेकिंग न्यूज के संबंध में, ग्रुप सी की 3,200 पोस्ट के संबंध में, रोडवेज में कंडक्टर की और अन्य ग्रुप सी के पदों के लिए हम पूरी खबर जानेंगे विस्तार से। लेकिन उससे पहले चाहेंगे चैनल पर जो हमारे मित्रगण पहली बार आए, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बगल में लगे बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि आने वाली हर छोटी बड़ी सूचना जो कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के संबंध में हो, सबसे पहले आपको राहुल वाईफाई स्टडी चैनल के माध्यम से जरूर प्राप्त हो सके। तो चलिए बढ़ते हैं, पूरी खबर लेते हैं विस्तार से इसके संबंध में हम लोग। अब ये बड़ी खबर निकल के आ रही है मित्रों की, 3,3200 पदों के सापेक्ष में जो है बहुत ही जल्द जो है इसके संबंध में आपको अधिसूचना देखने को मिल जाएगी, एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के संबंध में। तो जो बड़ी खबर प्राप्त हो रही है हमें, वो खबर लेते हैं विस्तार से, देखते हैं जो 3,200 पोस्ट के संबंध में किस किस प्रकार की वैकेंसियाँ होंगी ग्रुप सी लेवल की, पूरी खबर विस्तार से। यहाँ से खबर आप लोग देख सकते हैं, बस कंडक्टर, मरम्मत कर्मचारी और अधिकारी भर्ती होंगे। रोडवेज में 3,200 पदों पर भर्ती खोलने की तैयारी, खबर लेते हैं विस्तार से। यहाँ से आप देख सकते हैं, परिवहन निगम, वर्ष 1989 के बाद परिवहन निगम में खाली पदों भर्ती करने की तैयारी है। शासन की ओर से निगम प्रशासन से मांगे गए खाली पदों का ब्यौरा भेज दिया गया है, जिसमें से लगभग 3,200 से अधिक पद खाली पाए गए हैं। इनमें सबसे अधिक बसों की मरम्मत के संबंध में तकनीकी शाखा के कर्मचारी शामिल हैं। परिवहन निगम में बीते 28 वर्षों से मोगा के पद पर सीधी भर्ती नहीं हुई है, जबकि कर्मचारियों की कमी के चलते बसों का संचालन आए दिन बाधित हो रहा है। बस अड्डे से लेकर के बस डिपो तक के कामकाज लंबित हैं। ऐसे में अधिकारियों के बढ़ते दबाव को हल करने के लिए परिवहन निगम मुख्यालय से प्रदेश भर में खाली पदों का ब्यौरा मांगा था, ताकि आने वाले दिनों में यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके और चालक परिचालक बेहतर आय ला सकें। प्रधान प्रबंधक कार्मिक आप देख सकते हैं साथ सही ने बताया कि कर्मचारियों के खाली पदों पर भर्ती के लिए शासन ब्यौरा भेजकर अनुमति मांगी गई है। भर्तियाँ किस तरह से होंगी इस पर फैसला भी नहीं लिया गया है, लेकिन ये भर्ती जो है पूरा पूरा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से मित्रों होगी। आप देख सकते हैं, 2,700 से अधिक पदों पर आईटीआई से भरे जाएंगे। निगम अधिकारी बताते हैं कि बसों की मरम्मत के संबंध में जो पद खाली हैं, उन पदों पर भर्ती के लिए आईटीआई पास होना जरूरी है। तो ये देख सकते हैं आप, आईटीआई पास भी मांगा है कुछ पदों के लिए। ऐसे खाली पड़े पदों में सहायक वल्कनाइजर, वेल्डर, कारपेंटर, टिन स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, फिटर के आधा दर्जन से ज़्यादा पद पर कई वर्षों से खाली पड़े हैं। प्रदेश भर में इस तरह के 2,714 पद खाली पदों का ब्यौरा शासन को भेजा गया है। इन पदों पर भर्ती के लिए आईटीआई पास छात्रों के पास रोजगार पाने का बेहतर अवसर होगा। इसके अलावा 290 ऐसे पद खाली पड़े हैं जिसमें असिस्टेंट स्टोर कीपर, मैकेनिक, केंद्र प्रभारी और अपर लिपिकर यानी UDS के पद हैं। साथ ही PA, JEE, सहायक वर्ग सुपरवाइजर कुल 201 पद खाली हैं। इन सभी पदों पर भर्ती के लिए शासन की अनुमति मांगी गई है। तो ये पूरी खबर थी मित्रों, आप देख सकते हैं बहुत ही जल्द आपको 3,200 पोस्ट के संबंध में खबर मिलने वाला है। परिवहन निगम में भर्ती आने वाली है मित्रों, बिल्कुल तैयार रहिए। तो इसके संबंध में और भी कोई खबर प्राप्त होती है तो आप तक जाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें और शेयर करें। ओके, धन्यवाद।